हेलो एवरीवन, वॉचिंग माय वीडियो. आई एम नवीन एंड आई होप यू टू बी फिट एंड फाइन. स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट. सो इन टुडेज वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल टू वर्ड्स. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दोज वर्ड्स. उन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे. तो दो वर्ड्स हैं अवेट और वेट. इन दोनों का अर्थ होता है इंतजार करना, लेकिन हम इन्हें अलग अलग तरह से यूज करते हैं. वी यूज देम डिफरेंटली, अलग तरह से यूज करते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या इन दोनों में अंतर है और क्या मिस्टेक्स लोग जो है जो इसमें करते हैं अक्सर. तो पहला जो वर्ड है वेट, वेट का अर्थ वही है इंतजार करना, लेकिन वेट के साथ में हम फॉर लगाते हैं. अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वेट फॉर लगाएंगे. जैसे मैं कहूं मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स. एक है तो फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. आप कहें मैं एक अच्छे अवसर का इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी. आप कहें कि मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर ट्रेन. किसी का भी आप इंतजार कर रहे हैं तो वेट फॉर. या मैं कहूं मैंने तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार किया पास्ट में, तो आई वेटेड फॉर यू अ लॉन्ग टाइम. या आई वेटेड फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. इस तरह से हम बोल देंगे, ठीक. और जो दूसरा वर्ड है दैट इज अवेट, इसका भी अर्थ इंतजार करना होता है, लेकिन हम इसके साथ में फॉर नहीं लगाते. इसमें बस लोग गलतियां कर देते हैं कि इसमें अवेट के साथ में अगर फॉर लगाते हो दैट्स अ मिस्टेक. वो एक गलती है. आप जैसे कहें कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम अवेटिंग यू. अवेटिंग फॉर यू नहीं, आई एम अवेटिंग यू. अगर वेट लगा रहे हैं तो आई एम वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ में फॉर लगेगा, लेकिन अवेट ए लगा दिया इसमें, आई एम अवेटिंग यू, फिर फॉर नहीं लगा सकते, ठीक. जैसे मैं कहूं वो मेरा इंतजार कर रहा होगा या कर रही होगी, तो ही मे बी या ही विल बी. अगर फ्यूचर में आप डिनोट करना चाहें तो ही विल बी अवेटिंग मी. और वेट लगाना है तो वेटिंग फॉर मी, वेट के साथ में फॉर और अवेट के साथ में हम फॉर नहीं लगाते, ठीक. तो जैसे मैं कहूं कि तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है घर पर, तो हु इज वेटिंग फॉर यू एट होम. और अवेट लगाना है तो हु इज अवेटिंग यू एट होम, ठीक. तो अवेट के साथ में हम फॉर नहीं लगाते और वेट के साथ में हम फॉर लगाते हैं. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. सो अवॉइड मिस्टेक्स, गलतियां करने से बचें और इनका आप करेक्ट प्रयोग सीखें, ठीक. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस इज मिस्टेक. नाउ आई एम अवेटिंग यू, आई एम वेटिंग फॉर यू. सो आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लाइक फॉर शेयर. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and share with your friends and relatives so that other people could also join us and they could also learn. Thank you so much.